तुम ना हो तो तुम भी हम नहीं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज, मैं आप लोग सामने न्यू टेम्पलेट वीडियो लेके आ चुका हूँ दोस्तों। तो गाइज, आप भी इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहते थे, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो गाइज, इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपके पास VN एप्लीकेशन होना बहुत ही जरूरी है। गाइज, अगर आपके पास VN एप्लीकेशन है तो सिंपल आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सबको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपने फ़ोन से अपने VN ऐप को ओपन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइज, आपने VN ऐप को ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप दोस्तों आपको नीचे इस प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऊपर में आपको वीडियो फोटो का ऑप्शन देगा तो सिंपल आपको वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस लिस्ट वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको राइट साइड में फ़ोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने गैलरी से दोस्तों आपको 4 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जिसका आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको नीचे इस शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों मेरे वीडियो फोटो दोनों आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको स्लाइड करके वीडियो के लास्ट तरफ कुछ इस तरह से चले जाना है और लास्ट में दोस्तों आपको ब्लैक स्क्रीन का लेयर दिखेगा तो सिंपल अपने ब्लैक स्क्रीन के लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से इनको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको स्लाइड करके वीडियो के फास्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है और ऊपर में आपको ओरिजिनल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और 9:16 साइज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे इस म्यूजिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और म्यूजिक पे चले जाना है और इस म्यूजिक का लिंक दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल आपको वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से इनको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद देखिए दोस्तों आपको नीचे म्यूजिक वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों ने 4 बीट ऐड किए हैं दोस्तों, आपको भी इस तरह से बीट ऐड कर लेना है। मैंने कहाँ कहाँ बीट ऐड किए हैं मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से चेकआउट करके दोस्तों आपको बीट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से इनको सेव कर देना है और यहाँ से भी इनको सेव कर देना है। इसके बाद आपको स्लाइड कर लेना है कुछ इस तरह से और अपने फर्स्ट फोटो को दोस्तों सेकेंड बीट के साथ कुछ इस तरह से सेट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे के फोटो को दोस्तों आगे की बीट के साथ कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। इसी तरह दोस्तों आगे के जितने भी फोटो सबको दोस्तों आपको बीट के हिसाब से कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने सभी फ़ोटो को बीट के हिसाब से सेट कर दिए हैं। इसके बाद आपको स्लाइड करके अपने फर्स्ट वाले फ़ोटो पे आना है और नीचे दोस्तों आपको स्लाइड कर लेना है कुछ इस तरह से। नीचे आपको जूम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जूम आउट वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये जो इफेक्ट है दोस्तों मेरे सभी फ़ोटो पे आ चुके हैं, हम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है और नीचे स्लाइड कर लेना है यहाँ से और नीचे दोस्तों आपको FS वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे स्लाइड कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ से दोस्तों आपको जूम इन वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और इसका लेंथ दोस्तों आपको पूरे फोटो पर ले लेना है और नीचे दोस्तों आपको अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये जो इफेक्ट दोस्तों मेरे सभी फ़ोटो पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अपने लिस्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना है और नीचे FS वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इनको नाउन कर देना है और सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करके वीडियो के फास्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है और लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको नीचे मिस गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और वीडियो फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको इस टेम्पलेट वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सो इस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह से और नीचे दोस्तों आपको फील वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे इस वेलिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद गए अगर आप अपना वीडियो को प्ले कीजिएगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह बन के रेडी हो जाए। दोस्तों मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि मेरा वीडियो कैसे बना है। तो गाइस, देख सकते हैं मेरा जो वीडियो दोस्तों बन के रेडी हो चुका है, देखने में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है
और आपका वीडियो जो है यहाँ पर सेव होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।